करबला जुहूर की एक छोटी सी मिसाल है। करबला में देखें और अपने आप को तैयार करें। जो भी आज की करबला में शहीद होने के लायक हैं, वो जुहूर में काम करने के लायक होंगे। जो आज करबला वालों की तरह नहीं बन सकते, वो जुहूर में भी बदनसीब या बेनसीब रहेंगे। तो कम से कम आए, हर साल अर्ज करता हूं, अपने आप को अपनी आंखें बंद कर दें, सोचें कि ये मैदान कर्बला है। फर्ज करें आप, वैसे आप चले जाते हैं कभी कभी कर्बला ज़ियारतों के लिए, खुशनसीबी है, सआदत है और जरूरी है। अरबाइन के चले जाते हैं अरबाइन पे, जब कर्बला में पहुंचे वहां अपनी आंख बंद कर दें, फर्ज करें कि अभी कर्बला ईजाद हुई है, पैदा हुई है, अभी आका इमाम हुसैन का काफिला रुका है कर्बला में, अभी एक तरफ शिविर का लश्कर वहां नक्शा होगा, सारी जगह वहां मुआयन होंगी, जो लोग गए उन्हें पता है। आंखें बंद करें, तसव्वुर करें उस तरफ यजीद की फौज और इस तरफ आका इमाम हुसैन का करीब सा लश्कर। आप बीच में खड़े हैं, तसव्वुर करें कि मेरी जगह कहां है, मेरी जगह कहां है। अस्हाबे आका इमाम हुसैन में तलाश करें खुद को, करबला में ढूंढें खुद को, अपनी आंखें बंद करो, ढूंढें कि मेरी जगह कहां है। अब्बास के पास, मुस्लिम के पास, हबीब के खिमे में मेरी जगह कहां है। अपनी लियाकत, अपना ईमान, अपना किरदार और अपना अकदा जहन में रखें और तसव्वुर करें कि मैं किसकी तरह हूं, मैं किसकी शबीह हूं। वही आपका मकाम है। आखिर आखिर में गुलाम जॉन का तसव्वुर करें कि क्या मेरा मकाम यहां पर है। ढूंढें कि अगर उसके उसका ईमान, उसका अखलाक, उसके अमार, उसकी वफादारी अगर आप में मौजूद है तो शुक्र करें। फिर अगर अपने गुनाहों का तसव्वुर करें, नाफरमानियों का, अपनी सरकशियों का तसव्वुर करें, एक तरफ यजीद के लश्कर की तरफ तसव्वुर को ले जाएं, तवज्जो करें, कहीं मेरी जगह इस लश्कर में किसी जगह तो नहीं। ये तसव्वुर करें, खुद को करबला में लाएं, आजमाइश करें कि मेरा मकाम क्या है। मैं आबिद शाकिरी बन सकता हूं, मैं मुस्लिम इब्न सजा बन सकता हूं, मैं ज़ुहैर इब्न कई बन सकता हूं, मैं गुलाम जॉन, गुलाम असलम बन सकता हूं। अगर बना दें तो आप इस काबिल होंगे कि ज़ुहूर आए इमाम ज़मान के बाद, जब निदाए आसमानी आएगी जिसे हर शख्स अपनी जगह अपनी जबान में सुनेगा और समझेगा कि आए इमाम ज़मान का ज़ुहूर हो चुका है, बुलाया है, तो आप अगर आमादा हैं उसी वक्त चलेंगे, पहुंचेंगे खिदमत आए इमाम ज़मान में। लेकिन अगर आमादा ना हो तो कुछ अफराद करबला में भी नहीं पहुंच सके, करबला पहुंचे जैसा कल अर्ज किया, चले गए वापस ना आ सके। इतना कहा था कि मैं अपना सामान घर छोड़ के आ जाता हूं, ये बहाना भी नहीं चाहिए, इस हद तक आमादा हो जाए, तब हम अपने हदफ के साथ हमाहंग हैं, अपनी मंजिल वहां ढूंढें जुहूर में। जुहूर में अगर काम आ गए, देखें मरना हुनर नहीं है, मरना कोई हुनर नहीं, सब मर सकते हैं, जान देना भी हुनर नहीं है। इतने लश्करिया ने यजीद ने अपनी जाने दी है, यजीद के लिए जाने दी। आज भी तकफीरी गुरोह लाखों, सैकड़ों, हजारों, दसियों रोजाना अपनी जाने मुफ्त में दे देते, डॉलरों के लिए देते हैं, अमेरिका के लिए देते हैं, इसराइल के लिए देते हैं। जान देना मुहिम नहीं है, मकसद मुहिम है कि आप अपनी जान कहां दे देते हैं, ये मुहिम है। आज मरना आसान है, आज मरना आसान है, लेकिन आज मरना हुनर नहीं है। अपने आप को बचाएं आए नौजवान के लिए। आज काम करना मुहिम है, मरने वालों की कमी नहीं है मुआशरे में, काम करने वालों की कमी है, आगे इमाम ज़मान के हाथ बटाने वालों की कमी है,
आगा इमाम हुसैन की ज़ियारत करने वाले कम नहीं है, हुसैनी काम करने वालों की कमी है मुआशरे में। मुआशरे में देखें कोई हुसैनी काम जिसका करने वाला न हो, आप उस काम को ले ले और करें। अब इमाम हुसैन से, अब इमाम जमान से गिड़गिड़ा कर इस्तेगासा करें कि मौला कोई काम दे मुझे कि मैं करूं। ये काम हर किसी को नसीब नहीं होता है, लियाकत चाहिए, इस्तेदा चाहिए और खुदा की नजर होनी चाहिए। कुरान मजीद में खुदावंद मुत्तहाल ने फरमाया बाद कौमों के लिए कि तुम लोग काम नहीं करते, अगर मैं चाहूं तुम्हारी जगह दूसरी कौम लेकर आऊं काम करेगी, लेकिन तुम्हारा नाम भी तारीख में नहीं होगा। खुदा के लिए कोई कमी नहीं है, हम एहसान न जिताएं खुदावंद मुत्तहाल पे। आपकी सआदत, आपके लिए इफ्तिखार, आपका मकाम है कि आप अइम्मे अथहार के काम आ जाएं। हर शख्स अपनी जगह यही सोचें कि मैं क्या काम करूं, ये मरना हुनर नहीं है कि मैं हम जाएंगे वहां मरेंगे, आप मरेंगे क्या, किसका फायदा होगा। ज्यादा मरने की कोशिश ना करें, करबला में आ जाएं, करबलाई काम करें, अगर मरे तो मरे, फिर आप बिस्तर पे मरे तब भी शहीद है, तब आप अकेले मरे तब भी शहीद, जंग में मरे तब भी शहीद। ये शहादत एक मकाम है। परसों मैंने अर्ज किया है कि कयामत के दिन कुछ शुहदा और अंबिया भी रश करेंगे ऐसे लोगों पे जो न अंबिया में से न शुहदा में से, मगर इन्होंने हुसैनी काम किए हैं, इन्होंने अइम्मे अथहार के लिए काम किए हैं, इन्होंने दीन को पहुंचाया है, तबलीग की है, इन्होंने हुसैनी काम किए। ज़ैनबी काम, ज़ैनबी काम क्या है? ज़ैनबी काम सिर्फ रोना नहीं है, ज़ैनबी काम सिर्फ रोना नहीं है, ज़ैनबी काम हुसैन का पैगाम जगह जगह पहुंचाना है। ये काम करें आप हुसैनी हैं अगर आप आजादारी करना चाहते।